सीआईटीयू जींद की जीबीएम आज मजदूर भवन सिट्टू कार्यालय में हुई है, इसमें क्या कुछ निर्णय लिया गया है इसके बारे में सीआईटीयू की राज्य की अध्यक्ष सुरेखा है वो बताएंगी। हाँ जी, नमस्कार साथियों, आज सीआईटीयू की आम सभा हुई है और उसमें हमने चुनाव, आगामी जो विधानसभा के चुनाव हैं उससे संबंधित कुछ निर्णय लिए हैं। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि पिछले लंबे समय से सीआईटीयू लगातार सड़कों पर रहा था और हमने बहुत ही जुझारू आंदोलन किए थे। हमारी सीआईटीयू से संबंधित अनेक यूनियनों ने बहुत लंबे लंबे आंदोलन किए, जिसमें आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स, मिड डे मील वर्कर्स, भवन निर्माण कामगार यूनियन के मजदूर हमारे और ग्रामीण सफाई कर्मचारी, वन मजदूर सहित अनेकों हमारी यूनियनें थी जो लगातार संघर्षों में रही हैं। और उन संघर्षों के दौरान हमारा ये अनुभव हुआ कि किस तरह से सरकार ने हमारे तमाम आंदोलनों को पीटने की कोशिश की। उनको आंदोलनों में जो हम समस्याएं उठा रहे थे वो बेहद जायज समस्याएं थी, जिनका समाधान बहुत आराम से और एक संवाद के साथ होना चाहिए था, लेकिन ऐसा करने की बजाय सरकार ने एक दमन का रवैया अपनाया था। और वो दमन का रवैया ऐसा था कि महिलाओं को हमने, पूरे हरियाणा ने और पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से हमारे बाल खींच खींच के सड़कों पे घसीटा गया था, किस तरह से हमें थानों में बिठा के रखा गया था और बसों में बिठा के इस तरह से घुमाया गया था घंटों तक कि हमें पीने का पानी तक मुहैया नहीं करवाया गया था। जिन थानों में बिठा के रखा गया वहां पे टॉयलेट तक पे भी ताले लगा दिए गए थे। तो उस सरकार की कारगुजारियों का हिसाब करने का आज समय आया है। और इसी संदर्भ में आज हमने सीआईटीयू की यहाँ पे जींद जिला की मीटिंग की है। इससे पहले हम सीआईटीयू की राज्य कमेटी की मीटिंग भी अपनी कर चुके हैं, जिसमें हमने आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का निर्णय लिया है और उसके लिए सीआईटीयू की तमाम कतारें आने वाले समय में जी जान से मेहनत करेंगी। हमने ये निर्णय लिया है कि हम आगामी विधानसभा चुनाव में जो भी कैंडिडेट बीजेपी को हराने का काम करेगा हम उस कैंडिडेट का समर्थन करेंगे। और इसके साथ साथ जो भी वामपंथी पार्टियों के उम्मीदवार होंगे उन वामपंथी पार्टियों के उम्मीदवारों को जिताने के लिए जी जान से मेहनत करेंगे और तन मन धन से उनका हम जो है सहयोग और समर्थन करेंगे। आज हमारे बीच में कॉमरेड कपूर हैं जो जींद विधानसभा सीट से सीपीआईएम के उम्मीदवार घोषित हुए हैं, जो हमारे सीआईटीयू के जिला के सचिव हैं। तो कॉमरेड कपूर के समर्थन में आज हमने यहाँ अपनी आम सभा में सर्वसम्मति से यह निर्णय पास किया है कि हम आने वाले समय में हम पूरे जोर शोर से हम चुनाव प्रचार भी करेंगे और हम तमाम तरह की हम जो है मदद कॉमरेड कपूर को करेंगे यहाँ पे, और पूरे हरियाणा में भी बीजेपी का जो है सुपड़ा साफ करने का काम करेंगे। हमने लगातार ये देखा है कि बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए किस तरह से जातीय ध्रुवीकरण करती है और सांप्रदायिक हिंसा फैला के और समाज के अंदर नफरत फैला के उसके आधार पे वो सत्ता में बना रहना चाहती है। लेकिन आज हरियाणा की जनता ये बात समझ चुकी है कि ये जो इसका बीजेपी का जो सांप्रदायिक एजेंडा है इसकी पोल खुल चुकी है, अब समझ चुके हैं लोग। इसीलिए ये काठ की हांडी जो फिर से चढ़ाना चाहती है बीजेपी, अब की बार ये हरियाणा में नहीं चढ़ पाएगी। और हम काफी आश्वस्त हैं इस बात को लेके कि हम हरियाणा के मजदूर अब बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे। इसके साथ साथ न केवल हरियाणा के मजदूर बल्कि कल हिसार के अंदर तमाम ट्रेड यूनियनों की और तमाम किसान संगठनों की भी मीटिंग हुई है, जिसमें तमाम मजदूरों ने और किसानों ने मिलकर साझा निर्णय लिया है कि इस समय पे बीजेपी को सत्ता से बाहर करना बेहद जरूरी काम है और किसान और मजदूर मिलकर इस काम को करेंगे। हमने आगामी 17 तारीख से ये निर्णय लिया है कि हम हर एक गांव के अंदर किसान मजदूरों की साझा पंचायतें करेंगे, किसान मजदूर पंचायत करेंगे और गांव के अंदर बीजेपी की नीतियों का पर्दाफाश करेंगे और जरूरत पड़ी तो हम गांव के अंदर मशाल जुलूस वगैरह भी निकाल सकते हैं। और इसके साथ साथ भगत सिंह, जो हमारे लिए शहीद आजम भगत सिंह, जिसने जिसको सरकारों ने शहीद का दर्जा तो नहीं दिया लेकिन वो हमारे बहुत आदर्श हैं और उनका जो त्याग का जज्बा था, उनके जो विचार थे वो हम सब जानते हैं कि भगत सिंह का सपना था कि इस देश से जब गोरे अंग्रेज इस देश को छोड़ के जाएं
तो ये जो बागडोर है सत्ता की, ये सत्ता की बागडोर पूंजीपतियों के हाथ में नहीं आनी चाहिए। इसके बाद इंसान का जो इंसान से शोषण है वो खत्म होना चाहिए। आज भी भगत सिंह का ये सपना अधूरा है और हमारा जो देश का राज है वो आज भी पूंजीपतियों के हाथ में है और सामंतियों के हाथ में है। तो वहां से इस राज को जो भगत सिंह का सपना था कि निकाल के मजदूर और किसानों का राज स्थापित हो, वो जो है उनके सपनों को पार करने के लिए उनको हम याद भी करेंगे। और उसके साथ साथ भगत सिंह के जन्मदिन पे 28 तारीख को हम साम्राज्यवाद विरोधी दिवस भी मनाएंगे और उसमें भी हम बताएंगे कि किस तरह से जो भगत सिंह के विचार थे उनको सामने लाने की कोशिश करेंगे और किस तरह से आज जो बीजेपी सत्ता में है उसने देश की आजादी के साथ किस तरह से दगा किया। उस वक्त में भी बीजेपी का जो हम मां कह सकते हैं उसका जो मुख्य ऑर्गेनाइजेशन है जिसके आधार पे ये काम करती है, जिस विचारधारा के आधार पे बीजेपी भारतीय मजदूर संघ है, भारतीय मजदूर संघ ने उस समय पे भी जो है अंग्रेजों का साथ दिया था आजादी के आंदोलन के। हमारे जो लोग थे जो शहीद हो रहे थे अपने देश की आजादी के लिए उनके साथ गद्दारी की थी और आज भी बीजेपी देश के साथ गद्दारी कर रही है। देश में हमारे समाज में नफरत का बीज बोके, हमारे समाज को एक दूसरे से लड़वा के वो हमारे समाज को एक बीमार समाज बनाना चाहती है। तो हम जो है 28 तारीख को इस बात को याद करते हुए ये संकल्प फिर से दोहराएंगे कि तमाम मजदूर और किसान मिलके कि अब की बार बीजेपी का जो है पत्ता साफ हरियाणा से होगा और आने वाले समय में हम इस काम को पूरे जी जान लगा के करेंगे। क्योंकि तमाम यूनियन भवन निर्माण कामगारी यूनियन, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, फॉरेस्ट के मजदूर और मनरेगा मजदूर यूनियन, सफाई के कर्मचारी, तमाम जितने भी CITU के रेहड़ी पटड़ी की यूनियन है, तमाम साथी यहाँ पर शामिल हुए और उन्होंने एक निर्णय लिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जहाँ भी वामपंथी पार्टियों के उम्मीदवार होंगे हम पूरी ताकत के साथ उनका समर्थन करेंगे और विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। क्योंकि जो सरकार है, सरकार ने पिछले दिनों जो आंदोलन थे एक एक करके सभी आंदोलनों को लंबा खींचा और लाठियों से और यातनाएं दी, हमारी सरकार से जो मांग थी उन मांगों पर विचार करने के बजाय बड़े पूंजीपतियों का जो एजेंडा था देश में वो चला। क्योंकि हमारी CITU ने और संयुक्त किसान मोर्चा ने अभी 28 तारीख को भी एक निर्णय लिया है कि जो BJP और JJP हरियाणा में मुख्य रूप से गठबंधन में सरकार चलाई है पिछले 5.5-4 साल में जिन्होंने जनता के साथ जो व्यवहार किया था किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, उसके खिलाफ एक लामबंदी विधानसभा चुनाव में दिखेगी और जो भी उम्मीदवार BJP को आएगा हम तमाम जगह उसके समर्थन करेंगे और वामपंथी उम्मीदवारों को भी मजबूत करेंगे। क्योंकि हमारा जो फैसला है, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियन ने यह आह्वान किया है कि जो कॉरपोरेट इस हिंदुस्तान में है उसकी ताकत को कमज़ोर करना है और BJP को चुनाव में हराना और अपनी ताकत को मजबूत करना, हम संगठित होकर नए आंदोलन की भी इस दौर में तैयारी कर रहे हैं और आने वाले समय में किसान मजदूर की एकता को और मजबूत करेंगे।